मैं तुम्हारी बात समझू नहीं। मगर सबको तो यही लग रहा है ना कि वकार अंकल का जो रवैया असद भाई और जुहेब के साथ बदला, उसकी वजह आप हैं। मैं? मेरी अभी भी बात समझ में नहीं आई है। समझ आप सब गई हैं, बस मेरे मुंह से कहलवाना चाहती। तो क्या आपको नहीं पता कि असद भाई और जुहेब किस खलूस और लगन से ऑफिस का काम संभाल रहे थे, और अब वकार अंकल ने जाना शुरू कर दिया। बल्कि कुछ महीनों से तो वो ये कह रहे थे कि वो ऑफिस का काम नहीं संभाल सकते, वो ऑफिस नहीं जाना चाहते। तो अब इस इंटरफेरेंस का क्या मतलब बनता है? इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस उस वक्त होती महरीन जब वो किसी और के ऑफिस में जाते। वो उनका अपना ऑफिस है, वो उस जगह के मालिक हैं, और अब उनकी तबीयत भी ठीक है। और वकार घर में बैठे बेजार हो रहे थे, बोर हो रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे। इसीलिए मैंने उन्हें मशवरा दिया कि उनको मसरूफ रहना चाहिए, उन्हें अपना ऑफिस वापस जाना चाहिए। तो आपके मुंह पर आ ही गया कि सब कुछ आपके कहने पर हो रहा है। मुझे ये बात किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ इनडायरेक्टली आप अकार अंकल से करवा रही हैं ताकि आप हर चीज पर कब्जा कर सके। अलीजी और असद भाई बिल्कुल ठीक थे आपके बारे में। क्या मैं ये कहना चाह रही थी कि उस रात को जिस तरह से तुम लोगों ने बिहेव किया अपने बाप के साथ, वो क्या तुम दोनों को जेब देता है? पापा, शायद आप ये नहीं जानते कि हमारे वाले साहब ने हमारे साथ किस तरह बिहेव किया। क्यों, वो बाप है तुम्हारा, उन्हें सख्ती करने का डांटने का हक है। हक की बात तो आप ना कीजिए, उन्होंने हम दोनों को अपने हक से बेदखल कर दिया। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि उनके होते हुए हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, बिजनेस, प्रॉपर्टी, किसी भी चीज में हम एक पाई के भी हकदार नहीं। सुना है ऐसा कभी आपने कि कोई सगा बाप अपने ही बेटों के साथ इस तरह की बात करे? और अफसोस की बात यह है कि पापा जब बीमार थे हम सबने उनका कितना ख्याल रखा, उनके इन्हीं दोनों बेटों ने उनका बिजनेस संभाला, और वो खुश होने की बजाय अपने पूरे स्टाफ के सामने अपने ही बेटे को जलील कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि ये सब कुछ जो उसने कहा है तो उसके पीछे कोई वजह तो होगी ना। जरूर, वो बिजनेस में नफा और नुकसान होता है। क्या बाबा ने बिजनेस में कभी नुकसान नहीं किया? जब से बिजनेस शुरू किया हमेशा प्रॉफिट में ही रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अफसोस की बात तो यह है कि अंकल को अपने बेटों पर एतमाद ही नहीं रहा। वो चंद माह पहले आई हुई बीवी की बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। उनको ऐसे लगता है कि उनके बेटे उनके दुश्मन हैं। अरे तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? जहां तक मैं नरगिस को समझ सकी हूँ, वो इस किस्म की फितरत नहीं रखती। आपको तो अपना भाई और अपनी भाभी ही हक पर लगते हैं, हम कौन है? कैसा अहमकाना सवाल किया तुमने। ये भी कोई पूछने की बात है? कोई सवाल है करने का? ये बहुत अहम सवाल है। अगर हम इस घर के फर्द हैं तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हमने कोई गलत बात नहीं की। कौन सी बात? पोपो, यही कि हमें हमारे बिजनेस में हमारा शेयर दे देना चाहिए। जब बाबा को हम पर भरोसा ही नहीं रहा, वो किसी बात पर ट्रस्ट करते ही नहीं, तो ठीक है फिर बिजनेस और प्रॉपर्टी अलग कर दे, सब अपने अपने रास्ते। और अगर वो ये सब कुछ ना करना चाहे तो? जाहिर सी बात है, ऐसे सिचुएशन में फिर वही होगा जो होना चाहिए। क्या मतलब? ये दोनों भाई कोर्ट जाएंगे और अपना हक मांगेंगे, और ऐसे करने से इनको कोई नहीं रोक सकता। मैं निकल रहा हूं। नहीं, अभी बात मिलो। अम्मी बता रही थी कि मामू तुम्हारी शादी में इंटरेस्टेड है, मेरा मतलब कि जल्दी करना चाहते हैं।
शाहज़ेब, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं आई कैन टॉक टू मामू। एक्चुअली यू नो फाइनल डिसीजन तो मेरे डैड का ही होगा, और जो मेरे घर वाले डिसाइड करेंगे, आई जस्ट डोंट नो। ये मेरी यूनिवर्सिटी आ गई अब। ओके। लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो। महाराज, क्या मुझे हक है नाराज होने का? देखो बेटा, जब तुम छोटे थे ना, और कभी स्कूल में तुमसे मैथ में गलती हो जाती थी, तो मुनज्जा बहुत कोशिश करती थी तुम्हें समझाने की, और तुम मुनज्जा को कहते थे नहीं, पापा घर में आएंगे, मैं उनसे सीखूंगा। और फिर वो तुम सीखते थे और कहते थे कि अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन तब आपके समझाने का तरीका शायद कुछ और था। पहले आपने मुझे कभी इस तरह लोगों के सामने जलील नहीं किया। ठीक कहते, शायद मेरा तरीकेकार गलत था, लेकिन तुमने भी कभी बिजनेस को समझने की कोशिश नहीं की, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं की। पापा, तो आपसे इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप मेहरबानी करके मुझे और सुहेब को अपने बिजनेस से अलग कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी गलतियों से आपको शर्मिंदगी हो। सिर्फ बिजनेस में? नहीं, प्रॉपर्टी से भी, घर से भी। देखो बेटा, मैंने और मुनज्जर ने तुम लोगों को ऐसी तरबियत नहीं दी कि तुम दोनों हमें छोड़कर चले जाओ। तो इस सब कुछ करने पर मजबूर किसने किया, जानते हैं ना? बहरहाल बेटा, मैं ये सब कुछ अपने साथ कब्र में तो नहीं लेके जाऊंगा ना। ये जो कुछ भी है मेरी औलाद के लिए। तुम शायद भूल गए हो, तुम्हारी एक बहन भी है शान से, उसकी शादी तक कोई बंटवारा नहीं होगा, समझे? आराम करो। शानजे, पढ़ने से थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेते हैं कभी कभी। खाना बन गया और बहुत मजेदार बना है, चलो साथ खाते हैं, आ जाओ। अच्छा, एक मिनट, मुझे पास की बात है। ओके। वो मैं डैड के रूम में गई थी, लेकिन वो रूम में नहीं थे। हाँ ना, तो वो ऑफिस है। वो असद की तबीयत जब से खराब हुई है तो उन्होंने कहा जोहेब के साथ थोड़ा हाथ बटा लें। कुछ पूछना है? पूछ लो। वो एक्चुअली मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, और वो सेम क्लास से बिलोंग करती है जैसे हम लोग हैं, लेकिन उसकी क्लास में एक लड़का है, लेकिन वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो लड़का उससे बहुत लाइक करता है, मतलब बहुत पसंद करता है, इनफैक्ट उससे शादी करना चाहता है। अच्छा, तो तुम्हारी फ्रेंड क्या चाहती है? मतलब
उससे उसकी मोहब्बत पे कोई डाउट नहीं है, मतलब शी इज 100% श्योर कि वो उसको कितना पसंद करता है एंड ऑल दैट, लेकिन वो ना थोड़ी कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या करूं क्या नहीं। तो मैं तुम्हें बताऊं कि उसको क्या करना चाहिए। मतलब उसको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि उसको सबसे पहले अपने दिल से पूछना चाहिए। अगर उसको लगे कि वो फ्यूचर उस लड़के के साथ गुजार सकती है तो फिर उसको अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए। और अगर उसके पेरेंट्स नहीं माने? देखो शांति, मुझे लगता है ना पेरेंट्स ने बहुत उम्र गुजारी होती है, बड़ा तजर्बा होता है उनका, सारी चीजों से गुजरे होते हैं, अब वो इंसानों को ज्यादा बेहतर तौर पर पहचान पाते हैं। तो उस लड़के को अपने पेरेंट्स से मिलवा दे, फिर जो पेरेंट्स कहें। और पेरेंट्स ने ना जमाने की धूप छांव को देख रखा होता है, उनका फैसला अपने औलाद से ज्यादा काबिले भरोसा होता है। नहीं, चलो अब खाना खाने आ जाओ, मुझे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, आ जाओ। ओके।